टीवी पंजाब तुसी देख रहे हो, मैं हाँ थोड़े नाल मुस्कान शर्मा। फरीदकोट तो साबका कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों तो विजिलेंस विभाग ने आज तीजी बार पूछगिछ की है। ये पूछगिछ फरीदकोट स्थित विजिलेंस दफ्तर से हुई है, तो एक घंटे तो वध समय तक चली है। दस दिए कि कुशलदीप सिंह ढिल्लों खिलाफ आमदन तो वध जायदाद बनाने को लेकर विजिलेंस विभाग इसकी जांच कर रहा है। इस पूछगिछ तो बाद हुण कुशलदीप सिंह ने मीडिया के नाल गलबात की थी, कहा कि सरकार विरोधी धिर दीआं आवाज़ां दबाउण की कोशिश कर रही है और इसलिए कांग्रेसी आगुआं खिलाफ अजिहियां कार्रवाइयां कीतीआं जा रही ने। आओ एक बार सुन लैंदे आ पूछगिछ तो बाद की क्या क्या कुशलदीप सिंह ढिल्लों दे वल्लों। अज विजिलेंस डीएसपी साहब ने बुलाया सी, जिहड़ा कोई एक किसी ने एप्लीकेशन दित्ती है उहदे ते इह जिहड़ा पूछगिछ कर रहे है उहदे प्रति ये कुछ जिहड़ी मेरी इनकम है जां जिहड़ियां मेरियां कोई प्रॉपर्टीज है जिहड़ियां ऑलरेडी डिकलेयर्ड है। डिकलेयर्ड तो मतलब ये है कि जिहड़े मेरा इलैक्शन एफीडेविट ने 2017 2022 जां मेरियां सारियां इनकम टैक्स रिटर्नस ने जिहड़ियां सारियां उहनां विच डिकलेयर्ड प्रॉपर्टीज ने, जिहड़ियां मेरियां जग जाहर प्रॉपर्टीज ने, उहनां बारे पुछणा चाहुंदे सीगे। सो इनफॉर्मेशन इन्होंने दी है, बाकी जो कुछ कागज चाहते थे वो कागज देते है, वो अगे पड़चोल कर लेंगे। दूजे पास चंदी समीर भी जो विजिलेंस वालों बुलाया गया है, इन्हें लग की कहना थोड़ा कि सरकार की की मंशा रही है? देखो मंशा बारे तो मैं की कह सकता, मंशा तो हूँ जग जाहरी है, पर मैं एक गल कहना चाहना कि मैं समझदा हाँ कितना कितने ये ऑपोजिशन की जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने दबाने की कोशिश की जा रही। पिछले दिन ग्रेवाल साहब इतने फरीदकोट आए थे बीजेपी के, उन्होंने कहना है कि कांग्रेस की आपसी में ही लड़ाई हुई पई है, क्योंकि हम सिद्धू भी आ गया कि आपसी जी खिचोतान कांग्रेस पई है वह कोई आधार नहीं रहेगा कांग्रेस का। देखो मैं एक गल समझ नहीं आती कि सारे की कोशिश ये है कि कांग्रेस की लड़ाई है जी, कांग्रेस का आधार खत्म हो गया जी, पर जदों कोई भी लीडर चाहे बीजेपी का चाहे आम आदमी पार्टी का चाहे श्रोमणी अकाली दल का वो गल करता प्रेस के सामने, वो गल कांग्रेस से शुरू करता तो कांग्रेस ही खत्म करता। इतों तुसी आप सियाने हो जां लोग सियाने है, क्योंकि सारे जिहड़े अंदरों अंदर डरदे कांग्रेस तो है, क्योंकि उन्होंने पता आधार भी कांग्रेस का, लोगों को यकीन भी कांग्रेस से है। ठीक है पिछले समय च लोगों ने वोटा पाइया बदलाव लिया वास्ते, एक बहुत वड्डा नारा सी कि बदलाव लिया लैके आना, तो सिर्फ एक मौका दिओ, लोगों ने उस करके वोटा पातियां, कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, पर लोगों नू कांग्रेस तो बहुत बड़ी उम्मीद है। सो मेरी सारा बाकी पार्टियों के लीडर बेनती है कि तुसी ध्यान आपदियां पार्टियां ते दिओ, तुसी साढ़े वाले क्यों इन्ना फिक्रमंद हो, असी सारे कट्ठे हैं रल के लड़ाई लड़ांगे ते दुबार तो तकड़े होके असी पंजाब विच एक बहुत वधिया कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। कोई लड़ाई नहीं, कोई रौला नहीं, सारे कट्ठे हैं, जलंधर इलैक्शन विच सारे मेहनत कर रहे हैं। सो यही मेरी बेनती है। दूजी गल ये है, तुसी इत्थों तक देख लो कि पार्टियां नूं तां कैंडीडेट नहीं लभ रहे, कांग्रेस तों उधारे लैके जाने पैंदे कैंडीडेट, तुहाडे सामने आ गया ते जदों कैंडीडेट साढ़े तो लेने बंदे साढ़े तोड़ने, जिनी देर तो वही बंदा कांग्रेस च है वह माड़ा बंदा, तो जदों चले जाए वो बहुत वधिया बंदा, उहदे नाल दा कमाल दा बंदा कोई नहीं। सो तुसी देख लो कि कांग्रेस किन्नी जान है, कैंडीडेट भी साढ़े तो लेने सारी पार्टियां ने, चाहे बीजेपी है वह कभी चन्नी साहब मगर फिरती है, कभी दूजी है वह होर किसी मगर फिरती है, कैंडीडेट भी कांग्रेस तो, निंदना भी कांग्रेस नू, फिक्र भी कांग्रेस तो। तो इतों ही तुम आप सारे जायजा लगता है कांग्रेस कि मजबूत पार्टी। जिहड़ा तहकीकात कर रहे है ये तहकीकात करते होंगे है कि जिहड़ी कोई मेरी इनकम है जां मेरी कोई प्रॉपर्टीज है वो की है, तो मैं कागजात की कुछ शो किया। मैं पहले दिन भी तुम्हें बेनती की समाज फिर करना कि जो कुछ मेरे को है वो सब कुछ ऑन पेपर है, सब कुछ वाइट विच है। तुसी मेरे एफीडेविट देख सकते हो जिहड़े 2017 दे 2022 दे इलैक्शन दे परदे, जिहड़ियां मेरे इनकम टैक्स रिटर्न देख सकते हो, तुहानू सब कुछ उहदे विच मिलेगा,
उस तो बगैर मेरे कोई चीज भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।